हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। और आज हम बात करने वाले थल्लापति 67 यानी कि लियो के बारे में कि इसका करेंट शूट कहां चल रहा है, टीम को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं शूटिंग के दौरान, और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और जिस तरह हमने आपसे कहा था कि अपन लियो यानी कि थल्लापति 67 के बारे में छोटी से छोटी अपडेट पर बात करेंगे, और आपको भी पता है कि भाई ये छोटी अपडेट नहीं हो सकती है क्योंकि बात थल्लापति विजय सर की है, तो ये बड़ी अपडेट ही होगी। और हम आपको लियो से रिलेटेबल हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे ना तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, सभी को पता है लियो के जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज मिशन पर है थल्लापति से। देखिए थल्लापति 67 ट्यूनिंग ऐसा बन गया है कि लियो बोलते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि मिशन काफी खुखार होने वाला है। लोकेश कनगराज काफी एक नेक्स्ट लेवल पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट यार इसी ईयर में है यानी कि अक्टूबर मंथ में है, तो उन्हें बैक टू बैक शेड्यूल लगाने होंगे शूट के। और मैं आपको बताता चलूं, अभी जो करेंट शूट चल रहा है लियो का वो कश्मीर में चल रहा है, और कल मूवी की टीम की तरफ से अब वो फोटो वायरल हुआ, लीक हुआ, या उन्होंने ही शेयर किया मूवी की टीम ने, और आप देख सकते हैं इजीली कि वहां पर कितना ज्यादा वेदर खराब चल रहा है। इश्यूज ये आ रहे हैं कि वहां पर वेदर खराब है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि लियो की जो टीम है वो 1000 लोगों से भी ज्यादा की टीम है, और वहां पर वेदर खराब हो गया है, और यही इश्यू आ रहे हैं शूटिंग के दौरान। और लोकेश कनगराज ये चाह रहे कि भाई ऐसे वेदर में भी मैं शूट कंप्लीट करूंगा, क्योंकि भाई 19 अक्टूबर 2023 की इसकी रिलीजिंग डेट है ऑफिशियल, क्योंकि पहले लियो के सेट पे त्रिशा मैम थे लेकिन वेदर खराब होने के कारण वो रिटर्न हो गए अपने घर के लिए, लेकिन वहां पर थल्लापति विजय सर शूट कंटिन्यू रख रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जितनी जल्दी शूट कंप्लीट होगा उतनी ही जल्दी फैंस को देखने को मिलेगी। टीम को पता है भाई लोकेश कनगराज सर की मूवी है, और उससे भी बड़ा भाई थल्लापति विजय सर इसमें लीड कास्ट में दिखाई देने वाले, और त्रिशा मैम, इसलिए मूवी की टीम चाह रही है कोई भी इश्यूज आए शूटिंग के दौरान वो इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं। और लिटरली मूवी की टीम का डेडिकेशन देख के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वेदर खराब होने के कारण भी मूवी की टीम, मूवी के डायरेक्टर शूट को कंटिन्यू रख रहे हैं, और यार सच में ये तबाही होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अगर शाहरुख खान सर ने 2023 को पठान मूवी से स्टार्ट किया है, तो भाई इसे जो एंड करेंगे थल्लापति विजय सर अपनी लियो अपकमिंग मूवी के साथ, और यार लिटरली मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ लियो के शूट के लिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि हम इसे बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आ जाइए, मैसेज कर लीजिए या फिर क्वेरी कर लीजिए कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।